नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। इसे आप किसी भी लेडीज़ प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे या सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें ऑड नंबर में कितने भी फंदे चाहिए। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें ऑड नंबर में कितने भी फंदे चाहिए, तो मैंने सिलाई में 15 फंदे डाल लिए हैं। ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से बनता है, तो बॉर्डर बनाने के बाद आप सभी फंदों को सीधा बुन लीजिएगा। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं और इस लाइन में हम सेकेंड कलर को अटैच कर लेंगे। तो हमने अपने सेकेंड कलर को अटैच कर लिया है और अब सेकेंड कलर के उल से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे और धागे को ऐसे लपेटते जाएंगे। तो ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और रॉन्ग साइड, तो हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे, तीसरा फंदा उल्टा, चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, पांचवा फंदा उल्टा, यानी आठ नंबर के सभी फंदे हम उल्टा बुनेंगे और इवन नंबर के सभी फंदे हम स्लिप करेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, अगले फंदे को स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, अगला फंदा स्लिप करेंगे। तो पहला फंदा हमने उल्टा बुना था और लास्ट फंदा भी हमारा उल्टे पर ही आएगा। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, सामने से भी हमने इस फंदे को उल्टा बुना था, अब उन दूसरी ओर करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे। इस फंदे को हमने स्लिप किया था, उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा। देखिए, इस फंदे को हमने उल्टा बुना था तो हम पीछे की तरफ से इसे उल्टा ही बुनेंगे। अगला फंदा देखिए, इस फंदे को हमने स्लिप किया था तो रॉन्ग साइड से हम इसे सीधा बुनेंगे। उन अपनी ओर एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर बुना हुआ फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर स्लिप किया हुआ फंदा सीधा, उन अपनी ओर बुना हुआ फंदा। देखिए, इसे हमने सामने की तरफ से उल्टा बुना था तो रॉन्ग साइड से भी हम इसे उल्टा ही बुनेंगे। उन दूसरी ओर अगला फंदा, देखिए, इसे हमने स्लिप किया था तो हम रॉन्ग साइड से इसे सीधा बुनेंगे। उल्टे वाले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को हम सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा बुना हुआ फंदा है, इसे उल्टा बुन लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिजाइन का चौथा लाइन है। तो चौथे लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो हमने सभी फंदों को सीधा बुन लिया। अब हम फिर अपने प्राइमरी कलर के ऊन से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब हम फिर सामने की तरफ हैं, तो पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए, हमने यहां भी उल्टा बुना था और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। पहला फंदा उल्टा, दूसरा फंदा स्लिप करेंगे, तीसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे, उन हम चौथे फंदे को स्लिप करेंगे, उन हमारा हमारी तरफ ही रहेगा, नेक्स्ट फंदा उल्टा, अगला स्लिप करेंगे, फिर उल्टा, फिर स्लिप करेंगे, फिर उल्टा, फिर स्लिप करेंगे, फिर उल्टा,
एक फंदा हमें उल्टा बुनना है और अगले फंदे को हमें स्लिप करना है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो यहाँ देखिए, इस फंदे को हमने उल्टा बुना था तो रॉन्ग साइड से हम इसे उल्टा ही बुनेंगे। उन दूसरी ओर इस और दूसरे फंदे को हमें सीधा बुनना है। एक फंदा उल्टा और दूसरे फंदे को हमें सीधा बुनना है। उल्टे वाले फंदे को उल्टा बुनना है। जिस फंदे को हमने सामने से उल्टा बुना था उसे हमें रॉन्ग साइड से भी उल्टा बुनना है और जिस फंदे को हमने स्लिप किया था उसे हमें रॉन्ग साइड से सीधा बुनना है। तो एक फंदा उल्टा बुनते हुए और अगले फंदे को सीधा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और सामने से, तो चौथे लाइन में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। चार लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है। एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद अगला चार लाइन हम दूसरे कलर के ऊन से बनाएंगे, तो ये खूबसूरत सा पैटर्न अपने आप बनता चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जाएगा, तो ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।